हेलो बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का सेकेंड लेसन जो पॉलीनोमियल है, एक्सरसाइज 2.2। तो वीडियो अगर लाइक हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाता हूँ वीडियो। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट प्रॉब्लम के फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे बड़ा जो डिग्री रहता है उससे हमको पता चलता है कि वो कौन सा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इनका जीरो निकालेंगे। ओके, तो पहले तो क्या करते हैं, पहला फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जो है वो दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 8 8 हो जाएगा। बाद में सेकेंड स्टेप क्या है, अभी ये जो 8 है हमको यहाँ से टेबल में 8 नंबर हमको आता है, तो वो सब टेबल हम लिखेंगे। तो अभी जो है हमारे पास 4 नंबर बचे हैं, मतलब ये एक जोड़ी बचा है और ये एक जोड़ी बचा है। तो ये जोड़ी जो है, ये जोड़ी में से हम तो माइनस 2 जो है, ये नंबर हमको ये दोनों नंबर में से निकाल के लाना है। कैसे निकालेंगे, वो माइनस 2 कैसे आएगा ये दोनों नंबर से? तो एक तो हम प्लस कर सकते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो माइनस मतलब सब्रैक्शन कर सकते हैं। इसमें डाल के देखेंगे, तो पहले इसमें प्लस डालेंगे, इधर माइनस डाल के देखेंगे, तो ये बड़ा नंबर है तो इसमें से साइन रहेगा, तो आंसर हमारा माइनस 2। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस 2 है, ये दोनों नंबर हम इधर डालेंगे। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए का नंबर क्या है, इधर देखिए ए का नंबर मतलब इधर रहता है, तो कितना है, 1 है। बी का नंबर है तो इसका क्या, माइनस 2 है, तो माइनस 2 डालेंगे, बी इज इक्वल टू माइनस 2। साइन के साथ लाना है हमको, सिर्फ नंबर ला के फ़ायदा नहीं होगा। बाद में सी का नंबर क्या है, सी का नंबर देखो माइनस 8 है, तो माइनस लिखेंगे, सी इज इक्वल टू माइनस 8। तो प्रॉब्लम के साथ अभी ये जहाँ पर जो नंबर है ये हम इसमें डालने वाले हैं। ओके ओके, तो कैसे डालेंगे देखेंगे। तो पहले तो एक्स स्क्वायर, पहला और लास्ट नंबर हमको कुछ नहीं करना है, वो वैसा का वैसा नंबर यहाँ पर लिखना है हमको। ओके, तो फर्स्ट नंबर वैसा का वैसा नीचे लिखा, अभी ये जो है बीच वाला इसको हमको स्प्लिट करना है। तो पहला साइन क्या है, प्लस 2 है, तो प्लस 2 लाएंगे इधर, प्लस और 2। और ये एक्स किधर से है, इधर तो एक्स नहीं था, ये एक्स इधर से लाते हैं, मतलब दूसरा क्या है, माइनस 4 है, तो माइनस 4 ही हम लाएंगे, तो माइनस और 4 लाएंगे। ओके, और जो लास्ट नंबर है वो भी वैसे ही वैसे लाने का, माइनस 8। तो इसमें से दो दो का जोड़ी बनाने का। अब ये दोनों जोड़ी में से एक्स हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है, तो बाद में ब्रैकेट डालते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे वो आंसर आएगा, मतलब एक्स एक्स द एक्स स्क्वायर, तो एक्स 2 द 2x। जो भी यहाँ पर साइन होगा वो वैसे के वैसे नीचे लाने का। इसमें भी कॉमन देखेंगे हम क्या है करके, तो 4 हो जाएगा। अभी और कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट आ जाएगा फिर से, तो 4x द 4x आ जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो 4 2 ज़ 8, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो हम लेंगे और उसका एक ब्रैकेट बनाएंगे, और अंदर का ब्रैकेट जो सेम है दोनों जगह पर उसमें एक ब्रैकेट लेंगे और इधर लिखेंगे x माइनस 4 लिखेंगे। दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, x प्लस 2। ब्रैकेट जो है इसमें से हमको जीरोस निकालना है, जीरो डालेंगे और इसको भी जीरो डालेंगे, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके पहले, आएगा एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा आपको एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर भी देखेंगे, अभी एक्स प्लस 2 है तो इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा ये, सही है। तो ये हमारे जो आए हैं ये हमारे जीरोज हैं। तो अभी हमको वेरीफाई करना है जीरोज कोएफिशिएंट के साथ, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर है इनको अल्फा और बीटा करके में डालते हैं। तो अल्फा कैसा रहता है, अल्फा इसको बोलते हैं, ये देखो ए की शक्ल में रहता है इज इक्वल टू 4, और बीटा करके दूसरा रहता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, बीटा इक्वल्स टू, तो ऊपर का नंबर हमने नीचे लाया। देखो जब भी कोएफिशिएंट का रिलेशन करना होता है तो हम एक फॉर्मूला डालते हैं, तो पहला होता है सम ऑफ जीरो, जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का नंबर क्या है, प्लस 4, तो प्लस 4 लिखा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस साइन है तो बीच में भी प्लस साइन डालेंगे। ओके, उसके बाद क्या है,
बीटा है, तो बीटा का नंबर क्या है, -2। उसके बाद इस साइड में जाएंगे, इस साइड में क्या है, -b अपॉन a है। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल्स टू माइनस साइन, हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है। तो b का नंबर क्या है, -2 है, इसमें क्या आएगा, -2 लिखेंगे, उसके बीच में ब्रैकेट आ जाएगा। 4 है वो 4 लिखेंगे वैसे, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू +2 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो +2 इसके बाद इज इक्वल टू लिखेंगे हम, और इस साइड में 2 है वो 2 लिखेंगे। यहाँ पर आपका सम ऑफ द जीरोज का रिलेशनशिप हो गया। ऐसे ही हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और इधर सी ओपन ही आ जाएगा इधर। तो अल्फा का नंबर क्या था, वो इक्वल टू +4 है, बीटा का नंबर -2 था तो वो भी हम लिखेंगे -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर सी का और ए का नंबर -8/2 आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -8 हो जाएगा। तो -8 हो गया, देखो दोनों साइड में सेम है, साइन के साथ सेम नंबर है, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे, दूसरा प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ये पहला और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमको 4 × 4 आ जाएगा। जो भी टेबल में 4 आते हैं वो सब हम इधर लिखेंगे। तो हमारे ये जो चार नंबर है, यही से हमको ये नंबर आएगा, बीच वाला नंबर। इधर माइनस और इधर भी माइनस डाल के देखेंगे तो -4, तो यहाँ पर भी -4 है, तो ये नंबर तो लग रहा है हम। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया। अभी का वैल्यू क्या है, पहला नंबर 4 है, बी का वैल्यू क्या है, -4 है, तो बी भी लिखेंगे -4। सी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो सी का भी 1 लिखेंगे। अभी हम प्रॉब्लम लिखेंगे नीचे, पहला नंबर और लास्ट नंबर तो कुछ नहीं करते बोला था मैंने, 4a² वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर, ये अभी स्प्लिट होगा, तो पहला नंबर लाएंगे हम, तो इसको x लगाया, तो बाद में दूसरा नंबर भी लाएंगे, तो ये साइन के साथ लाते हैं हम। ठीक है, सिर्फ नंबर लाने से फ़ायदा नहीं, साइन के साथ लाने का। सो -2s हो गया। इसके बाद लास्ट नंबर है वो ऐसा का वैसा लिखने का, उसको कुछ करने का नहीं है हमको, तो हमने लिखा वैसे ही। अभी क्या करेंगे, इन दोनों का अभी जोड़ी बनाएंगे। तो ये हमारा जोड़ी है, पहले जो जोड़ी है इसमें से अभी कॉमन निकालेंगे हमें, तो 2s हमारा कॉमन हो जाएगा बाहर। सो 2 × 2 = 4, और s का स्क्वायर होता है, s ब्रैकेट में डाला और 2s लिखा। तो प्लस माइनस में करते हैं तो माइनस आंसर आता है, 2s मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो भी 2s आएगा। ऐसा है, वो साइन हमें नीचे लेते हैं, इसको कुछ भी छेड़ने नहीं इसको। 1 × 2 = 2, 1 × 1 = 1, और कोई टेबल नहीं हो रहा है, तो नंबर कौन सा होगा हमारा, 1 बाहर होगा, 1 2s का 2s आएगा, और माइनस इंटू प्लस इस माइनस हो जाएगा, 1 × 1 = 1, तो 1 लिखेंगे इधर। बाहर का नंबर रहता है ब्रैकेटों के बाहर, उसका एक ब्रैकेट बनाते हैं, और जो कॉमन ब्रैकेट है सेम नंबर का उसमें से एक निकालते हैं। तो बाहर जो है वो 2s - 1 है, तो उसका ब्रैकेट निकालेंगे, और अंदर का एक कौन सा भी लेंगे, ये लेंगे नहीं तो ये सेम है। अभी ये दोनों को इक्वेशन बनाएंगे, इसका भी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये देखो, ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, 2s - 1 = 0, और इसका भी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में क्या करते हैं, हमेशा हम लेटर हो एक साइड में रखते हैं और नंबर उस साइड में लिखे जाते हैं, तो वही करेंगे हम। यहाँ पर है 1 है, इसके साइड में लेटर भी कुछ नहीं है, तो ये पहले हम इस साइड में लेकर आएंगे, तो यहाँ पर 2s = +1 हो जाएगा, क्योंकि उस साइड में गया। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, वैसे यहाँ से यहाँ पर आएगा सिंगल नंबर, तो ये भी सेम टू सेम आएगा, दोनों जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में एक मल्टीप्लाई साइन रहता है। तो मल्टीप्लाई उस साइड में जाता है तो क्या होता है, डिवीजन होता है, एस लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई, तो उस साइड में जाएगा तो भी ये डिवीजन। अभी हमारा अल्फा और बीटा वही नंबर लिखते हैं, तो अल्फा भी वही लिखेंगे, बीटा भी वही लिखेंगे। जीरोस के बाद हम रिलेशनशिप करते हैं, तो रिलेशनशिप के लिए कौन सा फॉर्मूला रहता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा का क्या है, 1/2 है, बीटा का क्या है, 1/2 ही है फिर से, तो बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस है तो बीच में भी डालेंगे प्लस, इज इक्वल टू -b/e। ये देखो -b हमारा -4 था, और a का नंबर +4 है, तो यहाँ पर -b/e, तो -4/+4। हाँ, अभी आपको ध्यान में रखना है, देखो माइनस है तो पहले हमको माइनस लिखना है इधर, तो पहले -4 लिखेंगे, सो -4/4 हो जाएगा ऐसा। तो जब भी प्लस साइन रहता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक,
तो अब क्या करते हैं, नीचे का नंबर हम चेक करते हैं कि बाबा दोनों नंबर नीचे का मतलब डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर वो सेम नहीं है तो हम एलसीएम निकालते हैं, जो कॉमन होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, एक ही लिखेंगे दोनों में से, और ऊपर का है वो प्लस करेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू, और उसके बाद ये अभी देखो माइनस और माइनस है तो ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस फोर अपन प्लस फोर होगा, इधर प्लस करके टू अपन टू आ जाएगा, इज इक्वल टू फोर अपन फोर है, टू वन ज़ा टू और टू वन ज़ा टू कैंसिल हो रहा है, इधर भी कैंसिल हो रहा है, वन फोर वन ज़ा और फोर वन ज़ा, आंसर क्या है, वन इज इक्वल टू वन हमारा आंसर। ठीक है, सो वन अपन वन, सो वन इज इक्वल टू वन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यह हमारा सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप हो गया, देखो आंसर आ गया हमारा सेम। तो ये पहला प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपन ए। अल्फा का क्या था, वन अपन टू, वन अपन टू दोनों का था, तो दोनों ला लेंगे वैसे मल्टीप्लाई बाय वन अपन टू। सी और ए का नंबर क्या है वो देखें, सी का नंबर क्या है वन है और ए का नंबर फोर है, तो यहाँ पर सी का वन था और ए का फोर था, तो वो हमने नंबर लिखा। जब भी मल्टीप्लाई रहता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन ज़ा वन, टू टू ज़ा फोर, इस साइड में वन अपन फोर ऑलरेडी है तो वो लिखेंगे, तो ये देखो हमारा आंसर सेम आ गया। तो ये प्रोडक्ट का भी जीरोस का रिलेशनशिप हो गया कोएफिशिएंट के साथ। तो ऐसे तीसरा प्रॉब्लम शुरू करेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है यहाँ पर वे अरेंज नहीं किया हुआ ठीक तरह से। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे रहता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर बाद में प्लस नहीं तो माइनस बीस एक्स और प्लस सी रहता है, तो ये हम पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने से क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर वो सही है, तो सिक्स एक्स स्क्वायर ये सही है, उसके बाद क्या आएगा, एक्स का नंबर आता है मतलब ये नंबर यहाँ पर आता है, ठीक, तो ये यहाँ पर लिखेंगे हम। उसके बाद ये जो है नंबर प्लेन नंबर वो बाद में आता है, ओके, तो वो लिखेंगे उसके बाद, ओके। तो अभी हमारा ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज हुआ हुआ है। इक्वेशन में क्या करते हैं, पहला और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आता है, 18 आंसर आएगा, 18, ओके। तो 18 आने के बाद ये जो भी टेबल में आते हैं वो सब लिखेंगे, तो ये बड़ा नंबर है तो बहुत टेबल आएंगे, तो ये अब हमारा एक दो तीन जोड़ी में से ये नंबर हमको निकालना है बीच वाला। अब ये नंबर नहीं रहा हमारा, हमारा इक्वेशन ये है, ये याद रखिए, तो यहाँ पर से हम निकालेंगे, इसमें नहीं थ्री नहीं निकालने का हमको, सेवन निकालना है, तो एक जगह पर प्लस और एक जगह पर माइनस डालेंगे तो माइनस सेवन बचेगा, हाँ, तो यही हमको नंबर चाहिए था। तो जनरल फार्मूला क्या रहता है क्वाड्रेटिक का, ये रहता है, ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देख के लिखिए, यहाँ पर ए का वैल्यू सिक्स है देखो, तो बी का नंबर क्या होगा, माइनस सेवन, और सी का नंबर क्या होगा, माइनस थ्री, ठीक, तो ये हमारा नंबर लिख रहे हैं हमने। तो पहला और लास्ट नंबर तो हम वैसे ही लिखेंगे, उसमें कुछ भी नहीं करने का, ओके, तो ऐसे ही रखने का, तो सिक्स एक्स स्क्वायर, अभी बीच वाला नंबर माइनस सेवन है, तो हमको यहाँ पर माइनस सेवन आया था, तो यहाँ पर पहला नंबर लिखेंगे और बाद में दूसरा नंबर भी लिखेंगे वहाँ, तो बाद में लास्ट नंबर कुछ नहीं करने का बोला था मैंने, तो वो फिर से हम लाएंगे नीचे, ठीक, तो ये हमारा अभी सब सॉल्व हो गया है, हम जोड़ी बनाएंगे। तो पहले दो नंबर का एक जोड़ी बनता है, दूसरे दो नंबर का जोड़ी बनता है, ठीक, तो टू और एक्स हमारा कॉमन होगा, इधर क्या आएगा, थ्री एक्स आ जाएगा अंदर, बाद में प्लस साइन है, सो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, टू एक्स वन द टू एक्स हो जाएगा, ठीक, तो ब्रैकेट हमारा पहला क्लोज हो गया। ये जो साइन है वो साइन हम इधर लेते हैं, इसको कुछ भी चेंज नहीं करते हम, अभी कॉमन हमारा थ्री है तो थ्री लिखेंगे हम, थ्री थ्री एक्स द नाइन एक्स होगा, थ्री वन द थ्री, और साइन क्या चाहिए हमको, माइनस चाहिए, सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक, सो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा साइन। बाहर का नंबर जो है उसका एक ब्रैकेट बनाते हैं और अंदर जो सेम ब्रैकेट है कॉमन ब्रैकेट है, ओके, तो वो हमका उसका एक ब्रैकेट लेंगे, मतलब ये दोनों हैं वो इक्वेशन में हम चेंज करेंगे। तो ये देखो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन हो गया हमारा। बाद में दूसरा भी ऐसा करेंगे, थ्री थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ओके, तो अभी हम ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, सो टू एक्स इक्वल्स टू, ये इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस थ्री हो जाएगा, और इस साइड में क्या होगा, थ्री एक्स वैसे ही लिखेंगे, और ये सिंगल है नंबर देखो, तो ये हम इस साइड में लाएंगे, तो इधर तो प्लस है तो उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, सो थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, तो
तो जब भी वे जुड़े रहते हैं तो उसके बीच में मल्टीप्लाई साइन रहता है। तो मल्टीप्लाई कभी भी हम उस साइड में लेके जाते हैं तो क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। सो कैसे लिखेंगे हम, 3/2 डिवीजन, तो -1/3 हो जाएगा। तो हो गया, ये देखो ये हमारा जीरोज आ गया। अभी इनको अल्फा और बीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अल्फा +3/2 और बीटा -1/3। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लिखें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a कर। अल्फा क्या था, +3/2 था हमारा, ओके, और बीटा क्या था, -1/3 था हमारा, तो वही लिखेंगे हम। तो अल्फा हमारा +3/2 और बीटा बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे, और बीटा हमारा 1 -1/3 है तो वो दोनों डाला। माइनस बी और ए, तो माइनस है इसलिए पहले माइनस इधर डालेंगे। ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू क्या है, 7 है, -7। ओके, तो वो वहाँ पर लिखेंगे हम। माइनस का पहले लिखेंगे माइनस और नीचे का 6। अभी इसमें -7 बी का आंसर था तो इधर भी -7 लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा -7। अभी आपको बोला था मैंने कि ये नंबर नीचे का जब भी प्लस और माइनस रहता है यहाँ पर, तो अब हमको नीचे का नंबर सेम है तो देखना है पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम नंबर है तो नहीं है यहाँ पर सेम नंबर, तो ये नंबर हमको पहले सेम करना पड़ेगा। तो ये सब सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। जो भी बाहर नंबर आते हैं रहते हैं वो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 6। तो ये 6 नंबर जो है वो हम नीचे लाने वाले हैं। यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर भी 6 आना है, और जो 3 है यहाँ पर भी है 6 आना है हमको। इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। पहले तो नंबर हम दोनों लिखेंगे है वैसे ही, यहाँ पर 2 3 जो 6 आता है। नीचे मल्टीप्लाई जो भी नंबर करते हैं वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है हमको, है तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, तो प्लस डालेंगे। उसके आगे नंबर क्या है, -1/3, तो -1/3 डालेंगे। अभी इसको भी वैसे ही करना है, नीचे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाना है। सो 3 कितने में आता है, 6, 3 2 6 आता है। सो मल्टीप्लाई दोनों जगह पे लिखेंगे और 3 2 6, और नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिखते हैं हम, तो +7/6 हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा अपन 6, और आगे प्लस है तो प्लस डालेंगे, तो -2 हो जाएगा इधर। ओके, अपन 6। तो ये देखो अभी हमारा नीचे जो है वो सेम आ गया। ओके, तो हम कॉमन ले सकते हैं अभी, और आगे का नंबर लिखेंगे 7/6। नीचे का कॉमन पहले लेंगे। ओके, तो कॉमन लिया 6। उसके बाद ऊपर जो 9 है और 2 है वो लिखेंगे दोनों नंबर, तो पहला +9 है बाद में -2 है। ओके, और आगे जो है वो फिर से लिखेंगे = 76। ओके, तो इसके बाद अभी क्या करेंगे, ये दोनों माइनस करेंगे तो +7 रहेगा आंसर। सो +7/6, और उस साइड में क्या है, वही नंबर है देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। ओके, सो सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप इधर ख़त्म होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, तो वो लिखिए देखो, अल्फा हमारा +3/2 और बीटा हमारा -1/3, तो वो दोनों लिखेंगे। और ए का क्या है, 6 है, और सी का क्या है, -3 है, तो वो सब लाएंगे इधर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा का ये नंबर है हमारा, बाद में मल्टीप्लाई बीच में डालेंगे, बाद में बीटा का नंबर लाएंगे, बाद में = हमारा सी का और ए का नंबर लिखेंगे। तो अभी हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसके साइड में तो वही नंबर है देखो नीचे, तो ये देखो फिर से रिलेशनशिप हो गया। आपका चौथा जो प्रॉब्लम है वो है 4u² + 8u। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका दो ही टर्म है, देखो यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर एक टर्म है, तो दो ही टर्म है इसमें। एक यहाँ पर डायरेक्ट आपका कॉमन निकलता है, देखिए 4u है ये कॉमन हो गया। अभी जो बचा है वो लिखेंगे, तो 4 1 4 हो जाएगा, और u और एक मल्टीप्लाई करेंगे तो u² हो जाएगा, ब्रैकेट डालेंगे और ये लिखेंगे। ओके, उसके बाद प्लस है वो प्लस डालेंगे, तो 4 2 8, पर यहाँ पर तो एक ही है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हुआ तो भी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो है ये हमारा एक जीरो बनेगा और ये से हमारा दूसरा जीरो बनेगा, तो 4u
इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा ये, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। इसको हम अल्फ़ा और बीटा में लिखेंगे, तो लिखो अल्फ़ा 0 और बीटा -2। रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वही लिखे। यहाँ पर ए बी और सी का नंबर नहीं लिखा है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 8, सी का क्या नंबर है, हम जीरो लेंगे, रिलेशनशिप करना है कोएफिशिएंट के साथ। तो अभी सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस का क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। ओके, तो ए का नंबर आपको मिल गया है 0, तो 0 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस डालेंगे, उसके बाद बीटा का -2 है तो -2 डालेंगे, वैल्यू और बी का वैल्यू हमको मालूम है 8 है, तो -8 हो जाएगा, डायरेक्ट -2 आ जाएगा आंसर इसका। ओके, तो -8/4 बच जाएगा, तो -4/8 ये अभी कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 1 और 4 2, तो देखो सेम हो गया हमारा नीचे का, तो यहाँ पर रिलेशनशिप हो गया सम ऑफ जीरोस में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा c/a डालेंगे, और बीटा क्या है मल्टीप्लाई बाय -2 डालेंगे, ओके 0/4 आ जाएगा, तो लिखेंगे इधर 0/4, 0 ही आ जाता है आंसर, ये ऊपर समझो 0 है, नीचे कोई भी नंबर होने दो तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो सम में सेम आया, प्रोडक्ट में भी सेम आया, तो दोनों रिलेशनशिप हो गया हमारा कोएफिशिएंट के साथ। तो अभी हम पांचवा जो प्रॉब्लम है वो करेंगे, तो इधर t² -15 नंबर दिया है, फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज नहीं होने वाला है, ये अभी एक ब्रैकेट है ऐसा समझ सकते हैं, तो ब्रैकेट होगा तो क्या होगा कि जिसको हम 0 डालते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट हमने खोल दिया, इज इक्वल टू 0 डाला, तो वो हमारा 0 निकालने का इक्वेशन हो जाता है। ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 1 आएगा, तो बी का वैल्यू क्या है, बी, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, और सी का वैल्यू क्या है -15 लिखा हमने, इसके आगे इज इक्वल टू 0, तो ये देखो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको 0 निकालो, t² = इस साइड में जाएगा तो +15 हो जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर तो स्क्वायर कभी नहीं रहता है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है जीरोस, तो ये क्या होगा, स्क्वायर इस साइड में है वो इस साइड में आ जाएगा, टी इज इक्वल टू √15 आ जाएगा, और बाहर दो साइन आएगा, प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा इधर, तो एक प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में लिखेंगे हम, तो टी इज इक्वल टू +√15, टी इज इक्वल टू -√15, तो ये हमारे जीरोस आ गए, तो डालिए अल्फा और बीटा में, तो ये देखो अल्फा ये हो गया बीटा ये हो गया, दोनों रिलेशनशिप करना है, तो सम ऑफ दो जीरोस का फॉर्मूला लिखने का हमने, तो +√15 उसके तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -15 लिखेंगे डायरेक्ट, इस -b/a, तो हमने देखा b इज इक्वल टू 0 है, तो 0/1 आ जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये देखो इज इक्वल टू इस साइड में 0 है ऑलरेडी, तो ये रिलेशनशिप हो गया देखो हमारा सम ऑफ जीरोस में, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू c/a +√15, बीच में साइन क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और -√15 c/a क्या है हमारा, c देखिए -15 और a मतलब 1, तो -15/1 हो जाएगा, तो रूट और रूट कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से तो उसका रूट चला जाता है, तो -15 हम 15 लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो ये देखो हो गया मैच हमारा दोनों साइड में सेम, तो ये रिलेशनशिप होगा। जो लास्ट प्रॉब्लम है यह हमारा फेस है सेम 3 टर्म वाला है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं हम, तो पहला और लास्ट नंबर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 तो है ना 12 आ जाता है, तो 12 में कौन सा आता है, तो ये जो ऊपर 3 जोड़ी बना है, ये 3 जोड़ी में से हमको बीच वाला लाना है, अभी बीच में तो कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है, सो -1 होगा वो, इसको प्लस डालेंगे अभी और इसको माइनस डाल के देखेंगे, तो -1 चाहिए वो -1 आ रहा है देखो, तो पहला तो जनरल फॉर्मूला क्या रहता है वो लिखा, ए का वैल्यू क्या रहता है, पहला जो नंबर है 3 है, बी का वैल्यू क्या है, सो -1 है, बाद सी का क्या फॉर्मूला है, सी का -4 है, तो ये इक्वेशन फिर से लिखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं तो फैक्टराइजेशन हमको करना है। ओके, तो ये लिखो नंबर यहाँ पर नीचे, तो ये लिख लिया, अभी इसमें क्या करना है हमको, ये देखो ये दोनों इस नंबर में डालना है इधर बीच में। ओके, तो पहला और लास्ट नंबर तो कुछ नहीं करते हम, वैसे का वैसे लिखेंगे, तो 3x
दूसरा नंबर इधर का नहीं तो इधर कौन का भी ला, कौन सा भी ला सकते हैं। तो अभी हम पीछे का नंबर आगे लाके देखेंगे क्या होता है। सो माइनस फोर बोलाएंगे प्लस थ्री साइन, और लास्ट का नंबर वैसा का वैसा नीचे लाएंगे। तो एक्स बार लिखा थ्री और एक्स हो जाएगा हमारा, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, फोर एक्स मल्टीप्लाई बाय फोर द फोर एक्स होगा। तो है वो साइन वो नीचे ला दे, यहाँ पर हम वन लिखेंगे तो वन थ्री एक्स था थ्री एक्स हो जाएगा, और बाद में वन फोर था फोर। तो फिर ब्रैकेट के बाहर ही उसका एक ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट के अंदर है उसका एक ब्रैकेट बनाना है, इक्वेशन बनाए दोनों के क्योंकि उसके जूरो निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू इस साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस वन हो जाएगा, थ्री एक्स वैसे ही रहेंगे और ये जो प्लेन नंबर है उस साइड में जाएगा। तो मल्टीप्लाई का क्या होगा डिवीजन, मतलब फोर के नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे थ्री अपॉन फोर, फोर अपॉन थ्री सॉरी अल्फा वन और बीटा फोर अपॉन थ्री। तो हमारा सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। लिखा नंबर लिखेंगे अल्फा ये देखो माइनस वन है और बाद में बीटा फोर अपॉन थ्री, तो फोर अपॉन थ्री तो बी इज इक्वल टू माइनस वन है और ए इज इक्वल टू थ्री है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ पर नीचे है डिनोमिनेटर है, तो दोनों जगह ये यहाँ पर नंबर है तो इधर हमको एलसीएम लेके सेम करना होगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया और ये है वैसे ही वैसे लिखेंगे ओके। तो ये देखो प्लस वन अपॉन थ्री हो जाएगा ये, और है वो दोनों नंबर इधर लिखेंगे हम। तो हमारा एलसीएम क्या है थ्री, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे तो थ्री आएगा, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या होगा ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई थ्री हो जाएगा। अभी आंसर क्या आएगा हमको माइनस थ्री अपॉन थ्री, उसके बाद प्लस जो है वहाँ पर हम प्लस डालेंगे आगे, और फोर अपॉन थ्री तो फोर अपॉन थ्री लिखे, वन अपॉन थ्री है तो वन अपॉन थ्री लिखेंगे आएगा वन आएगा ऑलरेडी है, तो वन अपॉन थ्री हम है वैसे ही लिखेंगे। हो गया सम ऑफ जीरो हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा सी अपॉन ए, साइन मल्टीप्लाई है तो वैसे डालेंगे वन मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉन थ्री और इज इक्वल टू उस साइड में क्या आएगा सी अपॉन ए। तो ये देखो सी अपॉन ए मतलब सी मतलब माइनस फोर है और ए मतलब थ्री है, तो माइनस फोर अपॉन थ्री हो जाएगा ओके। तो अभी क्या करें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय फोर कितना आता है माइनस फोर आ जाएगा अपॉन थ्री, और इधर भी क्या है आंसर वही है देखो फोर अपॉन थ्री समझा। तो ये देखो हमारा ये दोनों आंसर मैचिंग हो गए इधर, तो सम ऑफ जीरोस का भी मैचिंग था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी मैचिंग था। थैंक यू।